एवरीबॉडी, आज मैं आपको टीच करने जा रही हूँ टीचिंग ऑफ आर्ट्स का फर्स्ट यूनिट का लेक्चर 7। फर्स्ट यूनिट का लेक्चर 7 लेक्चर हमारा चल रहा है। शुरू के जो 5 लेक्चर में तो हमने प्रागैतिहासिक काल और पुराना इतिहास पढ़ा है, जो भारत का इतिहास है। कल के लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो था हमारा कला मीनिंग ऑफ आर्ट, कि आर्ट की परिभाषाएं क्या है, हमने कल ये पढ़ा था। आज हम उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं कि कला के प्रकार क्या है। अलग अलग विद्वान, अलग अलग मतलब ग्रंथों में इसके जो मिले हैं हमें प्रकार, वो अलग अलग मिले हैं। कोई 2 बताता है, कोई 4 भी बता रहा है, लेकिन ज्यादातर इसे 2 भागों में ही बांटा गया है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, कला के प्रकार व चित्रकला के अंग। कला के अंग और चित्रकला के अंग, ये आज हम पढ़ेंगे कि क्या है। तो आज हम इसके बारे में चल रहे हैं कि कला के अंग कौन से हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कला के प्रकार। कला के प्रकार पे आने से पहले हम वही एक बार डिफाइन करेंगे कि कला क्या है। जब कला हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग बोला है कि सत्य की अनुकृति है, किसी ने बोला है प्रकृति की अनुकृति है, किसी ने इसे सत्यम शिवम सुंदरम का की अभिव्यक्ति माना है, और किसी ने इसे अपने भावों की अभिव्यक्ति माना है, किसी ने दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति माना है। अलग अलग विचारकों ने इसके अलग अलग विचार दिए हैं। तो कला के जो प्रकार है उनके ऊपर भी इन्होंने कईयों ने अलग अलग विचार दिए गए हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं कला के प्रकार। कला के प्रकार जो हैं वो किस तरीके से हैं? कला के प्रकार भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो ये है कि भरत मुनि ने एक नाट्य शास्त्र लिखा है, उस नाट्य शास्त्र उसने 4th ईस्वी पूर्व में लिखा था। जो भरत मुनि ने 4th ईस्वी पूर्व के अंदर जो नाट्य शास्त्र लिखा है, उस नाट्य शास्त्र के अंदर उसने कला के प्रकार के बारे में, एक कला के बारे में भी जिसे उन्होंने शिल्प माना है, यथार्थवाद के अंदर इसका उदय हुआ कला का, और इसको जो भरत मुनि ने है कला के जो प्रकार माने हैं वो 2 प्रकार माने हैं। और नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन भी किया है, 8 रसों का वर्णन भी किया है, और कला को 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सी है वो 2 कला? पहली है मुख्य कला, पहली है भरत मुनि के अनुसार हम चल रहे हैं अब कि कला के जो प्रकार हैं, पहली हमारी है मुख्य कला और दूसरी है गौण कला। मतलब मुख्य कला वो कलाओं में आ गई जो कलाएं उस समय में मुख्य रूप से आनंद प्राप्ति के लिए जो कलाएं की जा रही थी, और गौण कलाओं में वो कलाएं आ गई जो जरूरत के अनुसार जो कलाएं की जा रही थी। तो क्या हुआ, मुख्य कलाएं और गौण कलाएं 2 भागों में भरत मुनि ने इसे बांटा है। उसके बाद हम आ रहे हैं पाणिनि। पाणिनि, पाणिनि के अनुसार पाणिनि ने क्या है, अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है। पाणिनि ने क्या है, अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है। उस अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंदर उसने इसे 2 भागों में बांटा है, उसने इसे 2 भागों में बांटा है। वो 2 कौन सी है, उसने इसे कौन सी कलाओं में बांटा है, 2 भागों में बांटा है, वो 2 भाग कौन सी है, ये 2 कलाएं कौन सी है, 2 प्रकार की कलाएं कौन सी है। पहली है कारू कला और दूसरी है चारू कला। कारू कला क्या है, उपयोगी कला। कारू कला क्या है, उपयोगी कला। उपयोगी कला, उपयोगी कला के अंतर्गत क्या आता होगा, क्या आप बताएंगे, उपयोगी कला के अंतर्गत क्या आता है? उपयोगी कला जैसे कि खाना बनाना, बढ़ईगिरी करना, सुनारगिरी करना, जो भी उपयोग से रिलेटेड जो कलाएं हैं, कि चित्रकार
भी अगर कोई चित्रकला बना रहा है या किसी का सादृश्य बना रहा है या कोई ऐसी कला का निर्माण कर रहा है जो उपयोग से रिलेटेड है, जो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है, उसे बोलते हैं हम कारुकला। कारुकला क्या है? उपयोगी कला। उपयोगी कला क्या है? जिसके अंदर हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड जो कार्य किए जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बढ़ईगिरी कर रहे हैं, कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, जिससे अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड वो उसमें भी कार्य कर रहा है कि कमा रहा है, कार्य कर रहा है, उसे कौन सी कला बोला जा रहा है? कारुकला। कारुकला किसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है? पाणी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है? पाणी, जो जिसने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के अकॉर्डिंग हमें दो कलाएं मिली है, कारुकला और चारुकला। कारुकला दो प्रकार की कला इसने मानी है, उपयोगी कला जिसके अकॉर्डिंग हम उपयोगी कला कहते हैं, दूसरा है चारुकला। चारुकला क्या है? चारुकला ललित कला को कहते हैं। चारुकला किसे कहते हैं? ललित कला को चारुकला कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट कि ललित कला क्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि ललित कला है क्या? चालू कला है, चलने वाली कला। ललित कला क्या है? ललित कला एक ऐसी कला है जो हमें आनंद की ओर लेकर जाती है, जिससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है, जिसके अंदर हमें अपने मन से जो हम कार्य करते हैं, अपनी दमित वासनाओं को हम बाहर निकालते हैं, हम किसी का प्रतिरूप तैयार करते हैं या अपनी मन की शांति के लिए जिसका एक प्रतिरूप तैयार करते हैं, वो क्या है? ललित कला कहलाती है, जिसके अंदर कोई भी लालच टाइप की कोई भी चीज नहीं जमा होती। इसे पांच भागों में बांटा गया है, पाणिनि के अकॉर्डिंग इसे पांच भागों में बांटा गया है चारुकला। वो पांच भाग कौन से हैं? वो पांच भाग हैं, सबसे पहला है स्थापत्य कला। सबसे पहला क्या है? स्थापत्य कला। मैं इस बोर्ड को, ये तो हमें क्लियर हो ही गया है कि कारुकला को उपयोगी कला और चारुकला को ललित कला के नाम से पुकारा जाता है। अब मैं बता रही हूं कि जो ललित कला है उसको पांच भागों में बांटा गया है, और वो पांच भाग कौन से हैं? वो पांच भाग हैं, सबसे पहले आ रही है ललित कला, पांच भागों में डिवाइड हो रही है हमारी। फर्स्ट है स्थापत्य कला। सबसे पहले कहां आ रही है? सबसे पहली कौन सी है जो पांच भागों में हम इस चारुकला को बांट रहे हैं? वो पांच भाग हमारे कौन सी हैं? सबसे पहले है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला आता है। सिर्फ एक मूर्ति ही है, कुछ और भी आ सकता है?
हमारे सिर्फ मूर्ति कला के नाम से हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज आ जाती है कि एक बहुत बड़ा स्टेच्यू। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मूर्ति कला के अंदर सिर्फ एक स्टेच्यू ही आ सकती है और कुछ नहीं आ सकता। मूर्ति कला को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, हाई रिलीफ और लो रिलीफ। हाई रिलीफ और लो रिलीफ, इसे भी कितने भागों में आगे बांटा जा रहा है, इस भी पार्ट को दो पार्टों में बांटा जा रहा है। कौन से हैं? हाई रिलीफ। हाई रिलीफ के अंदर क्या आता है कि ज्यादा उभरी हुई मूर्ति, मूर्ति कला के अंदर ज्यादा उभरी हुई कोई भी कला जो उभरी हुई हो, दीवार के ऊपर एक सतह बनाकर हम उसको उभरा हुआ रूप तैयार कर देते हैं, वो भी मूर्ति कला में आता है। एक पूरा स्टेच्यू बना देते हैं, वो भी मूर्ति कला के अंदर आता है। एक आधी उभरी हुई मूर्ति बना देती है जिसका सिर्फ फ्रंट होता है, बैक नहीं होता है, वो भी मूर्ति कला में आता है। तो इसके अंदर दो प्रकार की आती है मूर्ति कला के अंदर, कौन सी है? हाई रिलीफ, ज्यादा उभरी हुई, और लो रिलीफ, जो कम उभरी हुई, जैसे कि सिक्के होते हैं, जैसे कि सिक्के हो गए, टाइल्स हो गई, जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी उभरी हुई चीज नजर आती है, उसे क्या बोलते हैं? लो रिलीफ। तो वो किसमें आ रही है? मूर्ति कला में, जो ललित कला का ही पार्ट है, जो हमारी चारों कला के अंतर्गत आता है। तीसरा भाग है इसका चित्रकला। तीसरा क्या है इसका? ललित कला का तीसरा भाग कौन सा है? चित्रकला। चित्रकला के अंतर्गत क्या आता है? चित्रकला के अंतर्गत आता है चित्रों का वर्णन करना, चित्रों को बनाना, उसका एक सुंदर रूप तैयार करना। सबसे मेन उसके अंदर जो गिना जाता है वो क्या है, इसके अंदर जो क्या प्रधानता दी जाती है वो होती है चित्र के अंदर रंग रूप चित्र और आकार की प्राधानता। किसकी दी जाती है? रंग रूप और आकार की प्राधानता, प्रधानता ही इसकी मुख्य विशेषता होती है। एक चित्र जो बन रहा है, उस चित्र को हम अच्छा चित्र बुरा चित्र कैसे कह सकते हैं? जब उसके अंदर रंगों का सही मेल होगा, रूप अच्छे से बना होगा, आकार उसका सही बना होगा, चित्र अपने आप ही पूर्ण होगा। तो इसके अंदर चित्रकला के अंदर हमने कौन कौन से गुण माने हैं? चित्रकला के अंदर आ रहे हैं रंग रूप और आकार की चित्र की प्रधानता को दर्शाया गया है। चित्र भी बहुत टाइप के बनते हैं, छोटे चित्र, बड़े चित्र, दीवारों पर बने हुए चित्र, कागज पर बने हुए चित्र, पोथियों में बने हुए चित्र और ताड़ पत्र पर बने हुए चित्र, हमें बहुत सारे ग्रंथ मिले हैं जिनके अंदर बहुत सारे छोटे रूप में भी चित्र बने हुए हैं। और अजंता एलोरा की गुफाओं में हमने इन्हें देखा है जो दार्शनिक है, और उसके अंदर हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी कलाएं देखी है, दीवारों पर बनी हुई कला, छतों तक पे कला की गई है। तो चित्रकला हमारी वैसे भी प्रधानता वाद रही है और सर्वश्रेष्ठ रही है, इसलिए उसे चित्रकला। चौथा इसका है ललित कला का, जो चौथा है पाणिनि के अनुसार इसको जो पांच भागों में बांटा गया है, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, उसके बाद आ रही है संगीत कला। संगीत कला, संगीत बोला जाने वाला, सुनना जाने वाला, जिसके जो ध्वनि प्रदान है वह क्या है? संगीत कला। जो क्या है? ध्वनि प्रदान है, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, जिसमें हमारी ध्वनि की प्रधानता है वो क्या होती है? क्या होती है? संगीत कला। ये ललित कला के अंतर्गत मानी गई है। जो ध्वनि प्रदान है इसमें धर तथा नाद, सॉरी, इसमें स्वर तथा नाद प्रधान होते हैं। इसमें क्या है? स्वर। स्वर क्या होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा, हम बोलते भी हैं, कहते भी हैं, इनकी जहां प्रधानता है वहां स्वर की जो प्रधानता मानी जाती है उसे संगीत कला के अंतर्गत, ललित कला के अंदर इसे भी
माना गया है जिसमें ध्वनि प्रधान होती है। इसके बाद आती है काव्य कला। पांचवे नंबर पे हम कर रहे हैं, कौन सी कला आ रही है हमारी? काव्य कला। काव्य कला क्या है? जिसमें अर्थ प्रधान होता है। क्या होता है? संगीत कला में क्या प्रधान था? ध्वनि प्रधान थी। चित्रकला में क्या प्रधान था? रूप, आकार, रंग प्रधान थे। अब क्या है? काव्य कला। काव्य कला में क्या है? जिसमें अर्थ प्रधान होता है, शब्द तथा अर्थ, शब्द व अर्थ उसके प्रधान गुण होते हैं। शब्द व अर्थ क्या है? उसके प्रधान गुण होते हैं। वह क्या है? ध्वनि प्रधान कला होती है। इसे आगे की तरफ हम पढ़ रहे हैं। अब हमने पढ़ा है, जो अब तक वो पढ़ा है हमने पाणिनी की प्रकार कि उन्होंने कितने भागों में इसे बांटा है। कारु कला चारु कला में बांटा है। कारु कला उपयोगी कला है और ललित कला क्या है? ललित कला जिसको पांच भागों में बांटा गया है वो कौन कौन सी है? स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला। इसके बाद हम आगे आ रहे हैं हीगल के अनुसार। हीगल के अनुसार कला के कितने प्रकार है? हीगल के अनुसार कला को दो भागों में बांटा गया है, दृश्य कला और श्रव्य कला। दृश्य कला जो आंखों से देखी जा सकती है और दूसरे उन्होंने प्रकार बताया है इसका श्रव्य कला जो कानों से सुना जा सकता है। जिसे आंखों से देखा जा सकता है दृश्य कला और जिसे कानों से सुना जा सकता है श्रव्य कला। लेकिन हीगल ने श्रव्य कला को उच्चतम कला की कला माना है जबकि दृश्य कला को उसने निम्न स्तर की कला माना है। हीगल क्या है? एक जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने इसके बारे में हमें इनको बांटा है और बताया है। इसके बाद आ रहे हैं हम अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के अनुसार भी कला को दो भागों में बांटा गया है, ललित कला और उदार कला। ललित कला क्या है? ललित कला क्या है? ललित कला और उदार कला, ललित कला हम पढ़ भी चुके हैं पहले और उदार कला उपयोगी कला को ही कहते हैं जो उदार करती है। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी चित्र की अंग, चित्रकला के अंग। चित्रकला के अंग जो है वो क्या है? छह अंग है। हमारी चित्रकला के जो अंग है वो छह अंग है। वो छह अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला अंग है हमारा चित्रकला का पंडित यशोधर। पंडित यशोधर ने कामसूत्र की टीका, पंडित यशोधर ने कामसूत्र की टीका, कामसूत्र की टीका जयमंगला में, जयमंगला जो ग्रंथ लिखा गया है जयमंगला, जिसको भारतीय चित्रकला का षड्यंग भी कहा जाता है, उसके छह अंग बताए हैं जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो छह अंग कौन से हैं। पहला अंग है रूप, पहला अंग है रूप, रूप। दूसरा परमाण, तीसरा भाव, चौथा लावण्य, पांचवा सादृश्य, छठा वर्णिका भंग। इन्हें हम आगे पीछे भी नहीं करते हैं, जो पहला अंग है वो रूप ही है। कभी भी हमें चित्रकला करनी है, कभी भी हमें चित्र बनाना है, सबसे पहले हम उसके रूप के ऊपर ध्यान देंगे कि उसका रूप कैसा है। हम क्या करेंगे? उसके रूप के ऊपर ध्यान देंगे कि उसका रूप कैसा है, उसका रूप कैसा है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसके चार प्रकार के रूप बताए गए हैं। कौन कौन से इसके चार प्रकार बताए गए हैं रूप के? वो हैं सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र। सत्य जो सत्य है, वाणी, नागर और मिश्र। उसी तरीके से मनसोल्लास ग्रंथ के अंदर इसके पांच रूप बताए गए हैं, वृत्त, अवृत्त, भाव, रस और धूलि। अब रूप है क्या? हम ये भी तो पढ़े, हम रूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं, रूप के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रूप है क्या? ये तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं कि रूप क्या है। रूप है एक रूप का दूसरे रूप के समानांतरण। हमने कोई रूप बनाना है, चित्र बनाना है, उसमें कोई रूप तैयार करना है,
सपोज मैंने एक स्त्री का चित्र बनाना है तो वो स्त्री जैसा ही दिखना चाहिए। अगर मैंने किसी एक लड़की को प्रॉपर लिया है तो वो दूसरी लड़की की शक्ल उसमें नहीं दिखाई देनी चाहिए, वो उसका ही चित्र बनना चाहिए। उसका रूप वैसा का वैसा ही बने, यही रूप है। परमाण क्या है? नेक्स्ट दूसरा है हमारे पास परमाण। परमाण क्या है? नापना, तोलना, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का ध्यान दिया जाता है। जब हम एक चित्र बनाते हैं तो उसमें परमाण योजना हमारी सबसे पहले होती है। वो क्यों होती है? कि चित्र में देखा जाता है कि आगे के चित्र में क्या है और पीछे के चित्र में क्या बनाना है। जो चित्र पीछे की बनानी है उसे थोड़ी दुल्हन, और जो आगे की बनानी है उसको कैसी बनानी है? पीछे वाले को जो बनाना है वो दुल्हन बनाना है, जो आगे वाले को बनाना है उसको किस तरीके का बनाना है? हमें थोड़ा बड़ा बनाना है। उसका अनुपात लगाया जाता है कि चीज फ्रंट से कितनी दूर है, दूरी पर है, तभी पता चलता है कि ये चीज इसे इतनी दूरी पर है, और इसी तरह से इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात लगाकर परमाण योजना तैयार की जाती है। उसके बाद है भाव। जो चित्र हम बना रहे हैं उसमें उसके भाव भी अंकित करने होते हैं। वो भाव कैसे है? भाव के द्वारा भावनाओं की पूर्ति की जाती है। भाव के द्वारा हम किसकी पूर्ति कर रहे हैं? भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। भरत मुनि के अनुसार या उनके ग्रंथ के अकॉर्डिंग 49 प्रकार के भाव उन्होंने दर्शाए हैं। भाव दिखाना है, जैसे कि वो हंस रहा है, रो रहा है, उसकी स्थिति क्या है उस समय में, कि वो डरा हुआ है, कैसा है, तो ये भाव उनके चेहरों पर उस पिक्चर के अंदर, उस चित्र के अंदर या जिस तरीके से भी होते हैं वो दिखाने ही भाव योजना कहलाती है। उसके बाद है लावण्य योजना। लावण्य योजना क्या है? लावण्य योजना क्या है? लावण्य योजना क्या है? इसके द्वारा भारत सौंदर्य को की अभिव्यक्ति होती है। लावण्य योजना के द्वारा भारत सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कि भारत रूप दिखाया जाता है कि सुंदरता है या नहीं है, कि एक स्वाद आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो स्वाद कैसा है? जैसे हमने खाना बनाया उसमें हम नमक तो डालेंगे ही, कितना डालना है वो एक लावण्य योजना की तरह। इस तरीके से चित्र में भी लावण्य की देखी जाती है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट सादृश्य। ज्यों का त्यों बनाना, ज्यों का त्यों बनाना या समानता को प्रकट करना सादृश्य कहलाता है। इसके बाद है वर्णिका भंग। वर्णिका का अर्थ क्या है और भंग का अर्थ क्या है? वर्णिका भंग, वर्णिका भंग है भावों के अनुरूप, भावों के अनुरूप रंग योजना से चित्र को बनाना। भावों के अनुरूप वर्ण रंग योजना से चित्र को बनाना वर्णिका भंग कहलाता है। जैसे वर्णिका का अर्थ है विभिन्न विभिन्न रंगों, और भंग का अर्थ है सम्मिश्रण। विभिन्न रंगों का सम्मिश्रण क्या कहलाता है? वर्णिका भंग कहलाता है। तो आज हमने पढ़ा है चित्र कला के प्रकार और कला के